नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला। तो चलिए इसे बना लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच घी गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक डाल लेंगे, काजू डाल लेंगे, हल्का सा भून लेंगे, प्याज डाल लेंगे, इसे भी भून लेंगे। इसमें डाल देंगे टमाटर 3। और अब अच्छे से भून लिया हमने, गैस बंद कर लेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसे हमें जार में पीस लेना है। प्यूरी जो हमने ग्राइंड कर लिया था उसे हम छान लेंगे। और अब डाल देंगे बटर, बटर मेल्ट हो गया है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा, जो हमने प्यूरी बनाई है वो डाल लेंगे। ढक के पकने देंगे 2 मिनट तक। सब्जी चेक कर लेंगे। अब डाल देंगे सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अनुसार। अगर आप सब्जी को स्पाइसी और मसालेदार बनाना चाहते हैं तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या तीखा लाल मिर्च, साथ ही डाल लेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी दही। दही की जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। सब्जी चेक कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और फ्लेम हाई करके 5 मिनट तक और पका लेंगे। इसके लिए मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ। इसे हल्के से गर्म पानी में नमक डाल के मैंने डुबो लिया था, तो अब इसे डाल देंगे। बस इसे हमें 1 मिनट ही पका लेना है। पनीर बटर मसाला रेडी है, गैस बंद कर लेंगे। पनीर बटर मसाला बनके तैयार है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।